हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो आपके सीडीएस के एग्जाम या फिर आप सीएपीएफ का एग्जाम दे रहे हैं, और कोई भी अगर आपका एग्जाम है जहां पे आपके फिजिक्स के क्वेश्चन रहते हैं तो ये काफी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसमें क्वेश्चन जो है वो दो तरह के रहेंगे। एक होंगे जो आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए आपको साइंस का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने साइंस के वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए उन क्वेश्चन में। और कुछ क्वेश्चन होंगे जो डे टू डे लाइफ के होंगे, जहां पे कोई नॉन साइंस का भी होगा तो वो भी इजीली उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है। तो हम देखेंगे किस किस तरह के क्वेश्चन आपके पास पूछे जा सकते हैं, और लेवल जो है वो यूपीएससी के अकॉर्डिंग ही रहेगा कि इस तरह के क्वेश्चन जो है यूपीएससी पूछता है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो आप अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पे मैं इसी तरह से कुछ कोर्सेज आपको वहां पे प्रोवाइड करता हूं जो इन कोर्सेज से थोड़े डिफरेंट रहते हैं। तो आप वहां पे जाके मुझे चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और आप वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए एमसीक्यू में, तो एमसीक्यू जो है यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जस्ट हमें टिक ही करना है। हम देखेंगे कि साथ में और क्या आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन सेम उसी तरह से आए, रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है, तो उससे रिलेटेड जो भी होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, एन आयरन नीडल सिंक्स इन वाटर वेयर एज अ शिप मेड ऑफ आयरन फ्लोट्स ऑन इट बिकॉज, कि एक जो आयरन की नीडल होती है वो पानी में डूब जाती है लेकिन जो शिप है वो डूबती नहीं है, तो इसका क्या कारण है। तो आई थिंक आपको पता होगा कि जो फ्लोटिंग होती है उसका क्या रीजन होता है। फ्लोटिंग के तीन हमारे पास रीजन रहते हैं, कि अगर तो जो बॉयंट फोर्सेज होती है वो अगर सेम हो जाए, इक्वल हो जाए जो ऑब्जेक्ट है और जो वाटर है, तो फिर भी जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो वहां पे फ्लोट करेगा। सेकंड है कि अगर जो वाटर डिस्प्लेस होता है, वाटर डिस्प्लेस भी अगर इक्वल हो जाए या फिर ज्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन में भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करेगा। और थर्ड कंडीशन है कि अगर जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर कम हो, ठीक है, वाटर से कम हो, तब भी वो उसमें फ्लोट करेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये तो पहले आपको क्लियर होना चाहिए, तीन रीजन रहते हैं, तो उसमें से जो भी हमें मिलेगा वो हम वहां पे टिक कर लेंगे। तो पहला हमारे पास है कि द एज ऑफ द नीडल इज पॉइंटेड, तो इसका कोई रीजन नहीं है कि एज ऑफ नीडल जो है वो पॉइंटेड है और शिप जो है वो फ्लैट है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन जो ऑप्शन है ये कट हो गए। थर्ड है द शिप इज ड्राइवन बाय पावरफुल इंजन, तो ऐसा नहीं है कि इंजन अगर पावरफुल है तो शिप जो है वो ड्राइव होगी, उस पर फ्लोट करेगी, ऐसा नहीं है। अगर आप मान लीजिए बात करते हैं कोई एरोप्लेन की बात करते हैं, तो उसमें बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंजन रहता है तब भी वो उसमें सिंक कर जाता है। ठीक है, उसी तरह से आप कोई भी इंजन ले लीजिए लेकिन वो सिंक करेगा, उसमें पावरफुल इंजन का कोई रोल नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। लास्ट हमारे पास ऑप्शन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द नीडल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय इट, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो तो वो तैरता है उसके ऊपर, तो नीडल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो पानी से ज्यादा है, तो इस वजह से क्या होगा, वो उसमें डूब जाएगी, वो उसमें सिंक कर जाएगी। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, द क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर देन क्लियर नाइट्स बिकॉज, कि जो बादलों वाली रात होती है वो थोड़ी गर्म होती है एज कंपेयर टू अगर क्लियर नाइट है, यानी कि अगर तो रात को बादल है तो नाइट जो होगी थोड़ी सी वार्म होगी, और अगर बादल नहीं है तो थोड़ी सी कोल्ड होगी। मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि वहां पे 5 डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा, बट जस्ट हम ये बोल सकते हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री इतना डिफरेंस वहां पे देखने को मिल सकता है। तो वो हम किस वजह से होता है वो डिस्कस करते हैं कि क्यों ऐसा होता है हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास क्लाउड प्रिवेंट एस्केप ऑफ रेडिएशन ऑफ हीट फ्रॉम द ग्राउंड एंड द एयर, तो बिल्कुल सही है। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे हमारे पास सन रे जो है वो ग्राउंड में पहुंच चुकी है तो फिर वो रिफ्लेक्ट होती है। अब रिफ्लेक्ट होने के बाद जब जैसे, या फिर कोई हीट है, आपको पता है हीट जो है जितनी उसकी डेंसिटी कम होती जाएगी वो ऊपर जो है वो उतना ऊपर जाएगी। ठीक है, हीट का आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। और तो यहां पे क्या होता है, जैसे जैसे हीट जो है, जो एयर जो गर्म है वो ऊपर जाएगी, लेकिन ऊपर अगर क्लाउड होंगे तो वहां से वो फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी हीट जो है, और फिर से नीचे आ जाएगी। तो उस वजह से क्या होगा, जो ओवरऑल जो हीट है पूरे अर्थ की वो फिर से जो है वापस डाउन आएगी, तो टेम्परेचर जो है थोड़ा सा इंक्रीज होगा, तो उस वजह से हमें लगता है कि वार्मर जो है क्लाउडी नाइट्स होती हैं। अगर वो क्लियर होगी तो उसको रिफ्लेक्ट होने के लिए कोई मीडियम नहीं है और जो हीट है वो ऊपर चली जाएगी, और इस वजह से जो है वो थोड़ा सा कोल्ड रहता है वो वाला जो नाइट होगी। तो ये थोड़ा क्लियर रखना है आपने। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट है।
बाकी जो है सेकंड ऑप्शन था अब्सॉर्ब सनलाइट इन द डे एंड रेडिएट द सेम इन नाइट। तो ये जो है कि सनलाइट जो है वो अब्सॉर्ब करता है डे में और रेडिएट करता है नाइट में, तो इसका जो है वार्म होने से कोई रीजन नहीं है, बिकॉज अगर रेडिएट करता है तो कोल्ड होना चाहिए था, तो ये तो गलत हो गया। थर्ड था क्लाउड्स मेक द एटमोस्फियर डैम्प एंड जनरेट हीट, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। एंड क्लाउड्स ऑब्स्ट्रक्ट द मूवमेंट ऑफ एयर विच क्रिएट्स हीट, ठीक है कि जो क्लाउड्स हैं वो एयर के मूवमेंट को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं जिसकी वजह से हीट पैदा होती है। तो हाफ पॉइंट तो सही है कि जो क्लाउड्स हैं वो एयर के मूवमेंट को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं लेकिन उस वजह से हीट क्रिएट होती है, तो ऐसा नहीं है, हीट वो वापस आती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट था, बाकी जो है यहाँ पे गलत है। थर्ड हमारे पास है फूड गेट्स कुक्ड फास्टर इन प्रेशर कुकर बिकॉज, कि जो फूड होता है वो प्रेशर कुकर में जल्दी पक जाता है, उसका क्या रीजन है। तो यहाँ पे ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक रिपीट हुआ है सीडीएस के एग्जाम में, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है। अब आपके पास जो गैस लॉज हैं उसमें आपने एक लॉ पढ़ा होगा कि प्रेशर एंड वॉल्यूम जो है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहते हैं, पी इंटू वी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। तो अगर उस कंडीशन को देखें, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि पी इंटू वी जो है वो कॉन्स्टेंट आना चाहिए, तो होगा क्या, अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर देंगे ठीक है तो वॉल्यूम जो है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब फिलहाल जो है जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, प्रेशर इंक्रीज करने का क्या वहां पे इफेक्ट पड़ेगा कि वो जो हमारे पास फूड होगा वो लो टेम्परेचर पर भी जल्दी जो है वो बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। नॉर्मली अगर हम किसी को ओपन में, किसी मान लीजिए वाटर को भी आप ओपन किसी कंटेनर में हीट करते हैं तो वो धीरे धीरे जो है वो हीट होगा, लेकिन अगर आप उसी फूड को हीट करते हैं क्लोज्ड कंटेनर में तो फिर वो जल्दी हीट कर जाएगा, बिकॉज वहां पे जो आपका प्रेशर है, प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से उसमें इफेक्ट पड़ेगा और टेम्परेचर जो है कम रिक्वायर्ड होगा। तो फर्स्ट ही पॉइंट है आपके पास, वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एट अ लोअर टेम्परेचर ड्यू टू हाई प्रेशर, जितना हाई प्रेशर होगा तो उस वजह से टेम्परेचर लो भी होगा तब भी जल्दी बॉइल करेगा। इसके पीछे अगर हम रीजन की बात करें तो आपको पता है कि जब भी टेम्परेचर की बात करें, जब आप टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो आपका जो बेस होगा कंटेनर का वो हीट होगा, अब बाकी जो ऊपर वाले जो आपके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के वो कैसे हीट होंगे, उसमें एक तरह से कंडक्शन होगी हीट की, क्योंकि एक मॉलिक्यूल हीट हो रहा है तो वो दूसरे से कोलाइड करेगा, दूसरा हीट होगा, उस तरह से कंडक्शन होगी। तो जितनी ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है, प्रेशर जब क्रिएट करेंगे तो वहां पे मूवमेंट ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, प्रेशर क्रिएट करेंगे उस वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल है उनकी मूवमेंट ज्यादा होगी और मूवमेंट की वजह से ही वहां पे वो जल्दी हीट होने हैं। तो होप सो कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, फर्स्ट ही ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इट इज मोर कंफर्टेबल टू वियर वाइड क्लोथ्स इन समर बिकॉज, तो ये भी डे टू डे लाइफ के ही क्वेश्चन आ रहे हैं अभी हमारे पास, तो इसमें भी बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमें गर्मियों में वाइड क्लोथ्स पहनने कंफर्टेबल क्यों लगते हैं, हम अगर ब्लैक क्लोथ्स पहनते हैं या कोई डार्क शेड वाले क्लोथ्स पहनते हैं तो फिर जो गर्मियों में है, गर्मियों में हमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर हम सर्दियों में डार्क पहनते हैं, सर्दियों में हमें अच्छा लगता है, हमें ज्यादा कंफर्टेबल लगता है डार्क पहनना। तो फिलहाल क्वेश्चन है कि व्हाइट क्यों पहने हम समर में, तो एक्चुअली में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में, तो जो ब्लैक बॉडी होती है यानी कि जो डार्क है तो वो रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है, और जो लाइट होती है, लाइट कलर है या सबसे लाइट आपको पता है ये व्हाइट ही आएगा, तो व्हाइट कलर है वो रिफ्लेक्ट करता है रेडिएशन को। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा कि जो सन की रेज आएंगी, अगर आप गर्मियों में व्हाइट कपड़े पहनकर बाहर निकल रहे हैं तो जब सन रेज आएंगी वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, तो उस वजह से क्या होगा, आपको गर्मी कम लगेगी। लेकिन अगर आप सर्दियों में ये करते हैं तो आपको फायदा नहीं है, नुकसान है, सर्दियों में आप डार्क पहनिए क्योंकि हीट जो है वो एब्जॉर्ब होगी और आपको ठंड कम लगेगी। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है आपके पास, दे रिफ्लेक्ट हीट फॉलिंग ऑन देम, तो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, बिकॉज जो वाइट क्लोथ्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं जो हीट उसके ऊपर फॉल करती है, ठीक है, तो ये आपने क्लियर रखना है। नेक्स्ट आपके पास है फिफ्थ क्वेश्चन है, ऑफ द टू बल्ब्स इन अ हाउस वन ग्लोज ब्राइटर देन द अदर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो क्वेश्चन ये है कि घर में दो बल्ब हैं, एक ज्यादा ब्राइट है, एक ज्यादा ब्राइट जल रहा है और दूसरा जो है वो कम ब्राइट है, तो रीजन क्या हो सकता है, हमने यहाँ पे रीजन बताना है। तो देख लेते हैं कि क्या रीजन हो सकता है, हमारे पास
पहले तो अगर बात की जाए यहाँ पे नॉर्मली अगर हम देखें, अगर कोई बल्ब जो है एक ज्यादा ब्राइट है एक थोड़ा सा डिम है, तो उसका रीजन क्या हो सकता है? हो सकता है उसमें वोल्टेज जो है वो डिफरेंट हो, ठीक है, हो सकता है कि उसमें जो वाट्स हैं जो एक्चुअल में की उसकी लिमिट है वो ही कम ज्यादा है, तो वो भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल हमें सोचना होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कि ऑप्शन क्या है यहाँ पे। तो चलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है द ब्राइटनेस डज नॉट डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस। तो देखिए ये गलत है, क्योंकि अगर हम सेम करंट भी किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं, सेम वोल्टेज के ऊपर करंट जो है वो आ रहा है, तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस अगर किसी एक बल्ब को हम दे रहे हैं तो उस रेजिस्टेंस की वजह से जो बल्ब है वो इतना ज्यादा नहीं चमकेगा, इतना ज्यादा ब्राइट नहीं होगा। तो रेजिस्टेंस का जो इफेक्ट है वो ब्राइटनेस पर होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकेंड है कि बोथ द बल्ब्स हैव द सेम रेजिस्टेंस। अब ये हमें नहीं पता है कि सेम है या नहीं है, क्योंकि हमें सारे ऑप्शन यहाँ पे पढ़ने होंगे। वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रीजन हो सकते हैं, हमें बाई ऑप्शन चलना है कि ऑप्शन में क्या रीजन वहां पे परफेक्ट होगा। तो सेम रेजिस्टेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमें नहीं पता है। अगर मान लीजिए वोल्टेज का ही डिफरेंस है तो हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस सेम है, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं अभी। द ब्राइटर बल्ब हैज लार्जर रेजिस्टेंस, कि ब्राइटर बल्ब जो है वो उसका लार्जर रेजिस्टेंस है। तो एक्चुअल में रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस करंट को रोकने का काम करता है। तो अगर करंट को रोका जाएगा तो बल्ब उतना नहीं चमकेगा। जैसे आपको पता होगा घरों में कई बार लाइट जो है वो डिम हो जाती है, क्यों होती है, क्योंकि वोल्टेज सप्लाई कम हो जाती है। तो बस वही चीज है कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो बल्ब जो है वो कम चमकेगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है, द डिमर बल्ब हैज लार्जर रेजिस्टेंस। तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि लार्ज रेजिस्टेंस होगा तो बल्ब जो है वो डिम होगा थोड़ा। तो बी भी कट हो गया, सी भी कट हो गया, हमारा आंसर क्या आ गया, डी, बिकॉज जितना ज्यादा रेजिस्टेंस है बल्ब उतना ही डिम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, अ फ्लोरेसेंट ट्यूब इज प्रेफर्ड टू एन इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज, कि जो फ्लोरेसेंट ट्यूब है वो प्रेफर करते हैं हम इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह, क्यों? तो नॉर्मली आपको पता ही है, लगभग अब तो गवर्नमेंट की तरफ से भी ये स्टार्ट हो गया कि जो ट्यूब्स हैं अब तो बल्ब्स जो है वो दूसरे आ चुके हैं, लेकिन नॉर्मल जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसका यूज काफी कम कर दिया गया है, ठीक है, उस बल्ब का यूज बहुत ही ज्यादा कम कर दिया गया हुआ है। तो ये जो है ये क्यों किया गया है, क्योंकि इनका डिफरेंस है, फ्लोरेसेंट ट्यूब और इलेक्ट्रिक बल्ब जो है इनमें डिफरेंस है, और फ्लोरेसेंट ट्यूब जो है वो ज्यादा बेटर होती है। तो क्यों है, इसके लिए हमें फोर ऑप्शन दिए हैं, वो देख लेते हैं। फर्स्ट है कि इट हैज अ लार्जर लाइट एमिटिंग सरफेस। सेकेंड है वोल्टेज फ्लक्चुएशन डू नॉट इफेक्ट इट। थर्ड है इन अ ट्यूब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ऑलमोस्ट कन्वर्टेड इनटू लाइट। एंड लास्ट है नन ऑफ दीज। तो देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होती है उसमें आपके पास गैस अवेलेबल होती है, और वो गैस जो है वो हेल्प करती है, जो एनर्जी आती है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है उसको लाइट में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है, जबकि बल्ब में ऐसा नहीं होता है। तो अगर आपके पास सेम वॉट के दो, एक बल्ब है और एक फ्लोरेसेंट ट्यूब है, तो फ्लोरेसेंट ट्यूब ज्यादा चमकेगी बिकॉज उसमें ऑलमोस्ट सारी की सारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है लाइट में। तो आपका आंसर क्या होगा, इन अ ट्यूब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ऑलमोस्ट कन्वर्टेड इंटू लाइट। तो बिल्कुल करेक्ट है आपका सी ऑप्शन, बिकॉज फ्लोरेसेंट ट्यूब में जो गैस होती है, पोटाशियम जो होती है, वो कंप्लीटली उसको कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। तो होप सो कि आपको ये भी क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ जेट इंजन एंड अ रॉकेट, कि जेट इंजन और रॉकेट में कुछ स्टेटमेंट दी हैं, उसमें से आपको कंसीडर करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने अक्सर देखे होंगे आपके सीडीएस के एग्जाम में, कि बाई ऑप्शन जो है, फिर वन है, ओनली टू है, वन एंड टू है, नाइदर वन और टू है, इस तरह से। तो देखते हैं, फर्स्ट हमारे पास है, अ जेट इंजन यूजेस द सराउंडिंग एयर फॉर इट्स ऑक्सीजन सप्लाई एंड सो इज अनसुटेबल फॉर मोशन इन स्पेस। एंड सेकेंड है, अ रॉकेट कैरीज इट्स ओन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन द गैस फॉर्म एज अ फ्यूल। तो देखिए यहां पे अगर हम जेट इंजन और रॉकेट में डिफरेंस क्लियर करें, हम जेट इंजन को कभी भी स्पेस में नहीं ले जा सकते हैं। क्यों नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि जेट इंजन क्या करता है कि जो इन्वायरमेंट में गैस होती है उसी का यूज करता है वो, जो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में है उसी का यूज करता है वो अपने फ्यूल के साथ। आपको पता होगा कोई भी गाड़ी है या जहां पर भी इंजन लगा हुआ है उसमें हम पेट्रोल सप्लाई करते हैं और इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन है उसका यूज होता है, तब जाके वो गाड़ी जो है वो चलती है। ओनली पेट्रोल जो है गाड़ी को नहीं चला सकता है, तो एयर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम जेट इंजन को स्पेस में लेकर जाएंगे तो वहां पे एयर नहीं होगी, तो फिर वो नहीं चलेगा। तो वो इसीलिए हम जेट इंजन को नहीं ले जा सकते हैं, जबकि रॉकेट में एयर भी होती, खुद लेके जाते हैं उसमें, और
जो पेट्रोल जो उसके बीच में ईंधन चाहिए होगा, ठीक है, वो भी लेके जाएंगे। तो रॉकेट को हम इसीलिए स्पेस में ले जा सकते हैं। तो फर्स्ट था कि जेट इंजन सराउंडिंग की जो एयर है उसका यूज करता है, तो बिल्कुल करेक्ट है, ये मैंने आपको बता दिया। और सेकंड है कि रॉकेट अपने आप कैरी करता है जो ऑक्सीजन है, इसलिए उसको ले जा सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा, बोथ वन एंड टू दोनों ही सही है यहां पे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। द लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा डज नॉट फॉल बिकॉज, कि जो पीसा की जो मीनार है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा है, वो नीचे नहीं गिरती। आपको पता है कि वो झुकी हुई है और काफी ज्यादा बेंट है, लेकिन फिर भी वो नीचे नहीं गिर रही है, तो उसका रीजन क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, इट इज टैपर्ड एट द टॉप। सेकंड है, इट कवर्स अ लार्ज बेस एरिया। थर्ड है, इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स एट द लोएस्ट पोजिशन। एंड फोर्थ है, द वर्टिकल लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द टावर फॉल्स विद इन द बेस। तो एक्चुअल में क्या होता है, कोई भी चीज जो है वो तभी गिरेगी अगर उसका वेट जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बाहर चला जाता है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो इस तरह से है तो वो गिर सकता है, लेकिन अगर वो इस तरह से है, ठीक है, ये उसका फिल है, ये वाला पार्ट उसका फिल है, तब वो नहीं गिरेगा। बिकॉज उस कंडीशन में क्या है, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू उसका वेट जो है वो बेस में गिर रहा है। तो कोई भी चीज है वो तभी टिकेगी अगर उसकी जो सेंटर ऑफ जो उसका वर्टिकल लाइन है, मेन वर्टिकल सीधी जो लाइन है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू बेस में गिर रही है। तो यहां पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो लीनिंग टावर ऑफ पीसा है वो भले ही झुकी है, लेकिन उसमें एक जो सीधी लाइन है, अगर हम एक प्रॉपर लाइन की बात करें, वो टॉप से लेकर बॉटम तक है, जो 90 डिग्री पे हम बोल सकते हैं, तो इसीलिए वो नहीं गिरती है। तो यहां पे बिल्कुल करेक्ट है कि द वर्टिकल लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द टावर फॉल्स विद इन द बेस। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। अब ये अजर्सन एंड रीजन वाला क्वेश्चन आ गया, और इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं जिसमें आपको पहले अजर्सन होगी, यानी कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दी होगी आपको, और फिर नीचे रीजन होगा कि वो स्टेटमेंट के लिए रीजन ये है। आपको बताना होता है कि क्या दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, एक सही है एक गलत है, या पहला गलत है दूसरा सही है, वो आपको चेक करना होता है। तो फिलहाल देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास है, यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग एंड उसके लिए रीजन दिया हुआ है, द रिजल्ट इज बेस्ड ऑन रेड शिफ्ट ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ गैलेक्सीज, कि जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, यूनिवर्स का आई थिंक सभी को पता होगा, जो हमारा ब्रह्मांड है वही यूनिवर्स है। तो एवरीथिंग जो है हमारे आसपास से लेकर दूर तक, जहां तक आपकी आपकी पहुंच हो सकती है, वो यूनिवर्स ही है। ठीक है, और रीजन उसके लिए ये दिया है कि यूनिवर्स एक्सपेंड इसलिए हो रहा है कि उसमें रेड शिफ्ट हो रही है। तो आपने दो चीजें पढ़ी होंगी, एक रेड शिफ्ट होती है, एक ब्लू शिफ्ट होती है, जिसमें हम ये देखते हैं, जिससे हमें ये क्लियर होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो दूर मूव कर रहे हैं या क्लोज आ रहे हैं। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है। तो रेड शिफ्ट से यही होता है, रेड शिफ्ट का मतलब है ऑब्जेक्ट जो है वो दूर जा रहा है, और ब्लू शिफ्ट है उससे हमें लगता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो नजदीक आ रहा है। अब देखिए, यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है यानी कि और दूर जा रहा है, और उसका रीजन क्या है, रेड शिफ्ट होना, क्योंकि रेड शिफ्ट में हमें यही पता चलता है कि वो और दूर जा रहा है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, दोनों ही हमारे पास, अजर्सन भी करेक्ट है, यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, और रीजन भी करेक्ट है कि रेड शिफ्ट के ऊपर ही बेस कर रहा है, और अजर्सन का मेन रीजन ही यही है, इसी वजह से यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, हमारा ऑप्शन होगा बोथ अजर्सन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्सन। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स ऑपरेटिंग एट लो वोल्टेज टेन टू बर्न आउट बिकॉज, कि जो इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स होती हैं वो अगर लो वोल्टेज पे हम ऑपरेट करेंगे तो वो जल सकती हैं, बर्न कर सकती हैं, इसका क्या रीजन है? तो ऑप्शन है हमारे पास, दे ड्रॉ मोर करंट विच इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। तो यही बिल्कुल करेक्ट है, एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स होती हैं वो बहुत ज्यादा करंट ड्रॉ करती हैं। ठीक है, और करंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा वोल्टेज के, बिकॉज आपको पता है कि जो वोल्टेज है, ठीक है, वोल्टेज हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगी करंट के। तो अगर हम क्या करेंगे, लो वोल्टेज पे उसको डिराइव करेंगे, तो अगर लो वोल्टेज होगी तो उस कंडीशन में जो करंट है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स हैं वो ड्रॉ करती हैं ज्यादा करंट को, तो फिर उस कंडीशन में वो बर्न आउट हो जाती हैं। तो फर्स्ट ही ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स हैं वो जल जाएंगी अगर उनको हम लो वोल्टेज पे ऑपरेट करेंगे, और रीजन क्या है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा करंट ड्रॉ करती है, और करंट जो है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा वोल्टेज के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है. इफ द डोर्स ऑफ अ रेफ्रिजरेटर आर लेफ्ट ओपन फॉर अ फ्यू आवर्स द रूम टेम्परेचर विल, कि अगर हम क्या कर देंगे रेफ्रिजरेटर के डोर्स को ओपन रखेंगे कुछ घंटों के लिए तो रूम का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, सेम रहेगा, या फिर डिक्रीज होगा इन द एरिया ऑफ विसिनिटी, कि जो रेफ्रिजरेटर का विसिनिटी एरिया है उसी के नजदीक जो है वो डिक्रीज होगा, बाकी जो है वो सेम रहेगा. तो यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है, रेफ्रिजरेटर क्या करता है, जो आपका रेफ्रिजरेटर होता है वो हमेशा करंट को बाहर फेंकता है, सॉरी करंट को नहीं, हीट को बाहर फेंकता है. रेफ्रिजरेटर का काम होता है कूलिंग तभी होगी जब कहीं हीट को वो नॉर्मलाइज करेगा वहां पे. तो अगर रेफ्रिजरेटर अंदर किसी चीज को कूल कर रहा है तो बाहर वो हीट भी थ्रो कर रहा है. तो हीट थ्रोइंग एक हमारा वो बोल सकते हैं, हीट थ्रोइंग एक डिवाइस है जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है. तो अगर हम रेफ्रिजरेटर को ओपन रख देंगे तो अब ओपन रखने से क्या होगा, उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी हमने आई थिंक बात की कि अगर एक क्लोज्ड कंटेनर है तो उसमें हमें काम जो है वर्क जो है वो लेस करना पड़ेगा, जबकि अगर ओपन कोई हमारे पास कंटेनर है उसमें हमें काम जो है वो ज्यादा करना पड़ता है. तो अगर हम रेफ्रिजरेटर का डोर जो है वो ओपन कर देते हैं तो उस कंडीशन में जो रेफ्रिजरेटर है उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसको फिर ज्यादा एरिया मिल रहा है कूल करने के लिए, और उसकी सारी की सारी जो कूलिंग जो उसने कर रखी है वो भी इन्वायरमेंट में जा रही है. तो उस वजह से हमें लगेगा कि टेम्परेचर जो है रूम का डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में आप ये भी देखिए कि जो रेफ्रिजरेटर है उसको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा उस चीज को फिर से नॉर्मल करने के लिए. तो अगर वो ज्यादा काम करेगा तो वो ज्यादा हीट थ्रो करेगा, क्योंकि वो एक हीट थ्रोइंग ही मशीन है, डिवाइस है. तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो ज्यादा हीट थ्रो करेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा. तो आपने हमेशा याद रखना है अगर हम डोर ओपन रखते हैं रेफ्रिजरेटर का कुछ घंटों के लिए तो रूम का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है, इफ अ रॉक इज ब्रॉट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून टू द अर्थ देन, कि अगर हम किसी पत्थर को सरफेस ऑफ मून से अर्थ पे ले आते हैं तो क्या होगा. तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है कि अगर हम क्या करते हैं किसी चीज को रॉक मान लेते हैं, रॉक हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अगर हम ले आए वहां से मून पर से और अर्थ में ले आए तो क्या चेंज होगा. मास विल चेंज, इट्स वेट विल चेंज, बट नो नॉट इट्स मास, बोथ मास एंड वेट विल चेंज एंड बोथ मास एंड वेट विल रिमेन द सेम. अब देखिए मास एंड वेट में डिफरेंस क्या है. मास का मतलब है जो मटेरियल है किसी भी बॉडी के बीच में, किसी भी ऑब्जेक्ट में जो मटेरियल है उसको हम मास बोलते हैं, जबकि वेट की क्या डेफिनेशन है, W इज इक्वल टू एम जी. ठीक है, अगर हम बात करें वेट की डेफिनेशन है W इज इक्वल टू एम जी, यानी कि मास इंटू जो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है. अब आपको पता है कि मून पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 1/6 ऑफ अर्थ है, यानी कि जितनी अर्थ पे होती है उसका 1/6 हो जाता है. तो अगर किसी चीज का, अब जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक फैक्टर बन रहा है वेट को फाइंड आउट करने का, तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है तो वेट ज्यादा निकलेगा, और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कम है तो वेट कम निकलेगा. तो इस कंडीशन में क्या होगा, नॉर्मली हमारे पास जब हम मून से कोई पत्थर लेकर आएंगे तो मास तो सेम रहेगा, क्योंकि मटेरियल जो यूज हो रहा है वो तो सेम रहेगा दोनों में ही, चाहे हम मून में रख रहे हैं, चाहे उसको हम अर्थ पे ले ला रहे हैं, चाहे हम उसको प्लूटो पे ले जाएं, उसका मास जो है वो सेम रहेगा, लेकिन वेट चेंज हो जाएगा बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्सेस चेंज हो रही है. तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, वेट विल चेंज बट मास विल नॉट चेंज. तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि वेट जो है वो चेंज हो जाएगा लेकिन मास जो है वो चेंज नहीं होगा. ठीक है, और अगर ये पूछा होता कि वेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा तो उसका वेट इंक्रीज हो जाएगा अगर हम मून पर से अर्थ पर ले आएंगे, और अगर अर्थ से मून पर ले जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, फिर जो वेट है वो डिक्रीज हो जाएगा. तो होप सो कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट, कि लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैच कीजिए. ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास लिस्ट में दिया हुआ है, एक तरफ हमारे पास वेवलेंथ एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंड फ्रीक्वेंसी, यानी कि कुछ हमारे पास बोल सकते हैं फैक्टर्स दिए हुए हैं जिनको हमने मैच करना है. दूसरी तरफ है हर्ट्ज, एंगस्ट्रॉम, जूल, डेसिबल, जो हमारे पास यूनिट्स हैं. तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है. देखिए वेवलेंथ के अगर हम यूनिट्स की बात करें तो वेवलेंथ के जो यूनिट्स आएंगे वो क्या होते हैं, एंगस्ट्रॉम.
ठीक है, एनर्जी के जूल आ जाएंगे। इंटेंसिटी ऑफ साउंड को हम डेसिबल में फाइंड करते हैं और फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये काफी इजी क्वेश्चन था। हाँ, इसमें मैंने नीचे ऑप्शन नहीं लिखे हैं जहां पे ये लिखा होता है कि ए बी सी डी और उसका 1 2 3, क्योंकि मैं डायरेक्टली आपको मैच करके बता रहा हूं, तो आप याद रख सकते हैं। आपको याद रखना है वेवलेंथ के जो हमारे पास यूनिट होते हैं वो एंगस्ट्रॉम होते हैं, और एनर्जी के जूल रहेंगे। इंटेंसिटी ऑफ साउंड को हम डेसिबल में फाइंड करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ साउंड यानी कि साउंड जो है वो कितनी तीखी है या कम तीखी है या ज्यादा तीखी है, उसको हम डेसिबल में फाइंड करते हैं। और फ्रीक्वेंसी हम हर्ट्ज में फाइंड करते हैं, यानी कि कितना हम किसी चीज को सुन सकते हैं। जैसे इसी से फ्रीक्वेंसी अगर हम बात करें तो ह्यूमन जो है वो कितनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को सुन सकते हैं, तो ह्यूमन के लिए 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, यानी कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। फिर से सेम क्वेश्चन है कि मैच ही करना है आपने। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ कोड्स गिवन बिलो। तो अब यहाँ पे टेम्परेचर, पावर, प्रेशर, फोर्स है और दूसरी तरफ यूनिट गिवन है। तो फिर से सेम आ गया। देखिए टेम्परेचर के यूनिट बहुत ही सिंपल आ गया यहाँ पे। टेम्परेचर के यूनिट क्या है? केल्विन टेम्परेचर के ही यूनिट है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है पावर। तो पावर के यूनिट क्या है? पावर के यूनिट वॉट ही होते हैं। प्रेशर के यूनिट पास्कल, ठीक है। वैसे प्रेशर के यूनिट काफी बन जाते हैं, एटमॉस्फेयर भी होता है, पास्कल भी होता है, न्यूटन मीटर सेकंड मीटर स्क्वायर भी हो जाएगा, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो जाएगा। तो हर तरह से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो गिवन है उनमें कौन सा है? तो प्रेशर के पास्कल होंगे और फोर्स के यूनिट क्या होते हैं? फोर्स के यूनिट है न्यूटन। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का मैचिंग हो गया। तो ये भी आपने याद रखना है, जो आपके मैच करने के लिए यूनिट्स भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कॉस्मिक रेज? कि कॉस्मिक रेज के बारे में कौन सी जो कंडीशन है वो गलत है? फर्स्ट है दे हैव वेरी हाई फ्रिक्वेंसी। तो ये बिल्कुल सही है कि जो कॉस्मिक रेज होती है उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है। सेकेंड है दे हैव वेरी हाई वेवलेंथ। देखिए आपको अगर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का पता होगा तो आप यहीं से इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो दोनों ही ज्यादा तो हो नहीं सकती, हाई फ्रीक्वेंसी हाई वेवलेंथ नहीं हो सकती। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, वेवलेंथ जो है वो कम होती है कॉस्मिक रेज की। तो यहाँ पे आंसर हमारा बी होगा, ए आंसर नहीं है। ए अपने आप में करेक्ट है, बट हमें नॉट करेक्ट नॉट ट्रू वाला फाइंड करना था। तो हाई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, हाई वेवलेंथ नहीं होती है, लो वेवलेंथ होती है। तो ये आपने याद रखना है। थर्ड था दे आर मेड ऑफ हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स। तो ये भी बिल्कुल सही है, चार्ज पार्टिकल से ही बनती है और ऑरिजिनेट ये सन से ही होती है। तो ये बिल्कुल सही था, आपका बी ऑप्शन गलत था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16 है पेंडुलम क्लॉक्स बिकम स्लो इन समर बिकॉज। कि जो पेंडुलम की क्लॉक होती है वो समर में स्लो हो जाती है, उसका क्या रीजन है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। एक्चुअल में जो पेंडुलम होता है हमारे पास, उसमें एक थ्रेड लगा होता है, धागा लगा होता है, जिसके साथ जो है हमारे पास क्लॉक जो है वो मूव करती है इस तरह से, पेंडुलम का आपको पता होगा। तो थ्रेड वहां पे मूव करता है। अब अगर हम बात करें समर की, तो समर में जो पेंडुलम है वो स्लो क्यों हो जाता है? बिकॉज जैसे गर्मी होगी तो स्ट्रेचिंग जो है थ्रेड की, जो धागा है उसकी स्ट्रेचिंग जो है वो ज्यादा हो जाएगी, और जो क्लॉक है वो लंबी हो जाएगी, यानी कि जो धागा है वो ज्यादा लंबा हो जाएगा वहां पे। तो अगर ज्यादा लंबा हो जाएगा तो मोशन तो उसका उतना ही होना है ना, तो फिर वो कम रोटेट करेगा, बिकॉज एक्चुअल में तो उसको जो टोटल रोटेशन करनी है वो उतनी ही करनी है। तो अगर रेडियस ज्यादा होगी तो उसका जो सर्कमफेरेंस है वो कम बनेगा, रेडियस कम है तो सर्कमफेरेंस ज्यादा बनेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर समर है तो जो हमारा थ्रेड है वो लंबा हो जाता है, इस वजह से जो क्लॉक है वो स्लो हो जाती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इंक्रीजेस, क्योंकि पेंडुलम की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट कोड। कि स्टेटमेंट जो है वो आपको गिवन है, इसमें से आपको करेक्ट कोड जो है वो बताना है। फिर से रीजन एंड अजर्शन वाला ही क्वेश्चन है। फर्स्ट है आपके पास अ पीस ऑफ आइस एडेड टू द ड्रिंक कूल्स इट। तो अजर्शन आपके पास ये है, एंड सेकंड है आइस टेक्स लेटेंट हीट फ्रॉम द ड्रिंक फॉर मेल्टिंग रिजल्टिंग इन द कूलिंग ऑफ द ड्रिंक। देखिए हमें गिवन है कि जो आइस का जो पीस है अगर हम उसको डाल देंगे किसी ड्रिंक में, यानी कि किसी पानी में डाल देंगे, या कोई ड्रिंक है जो ठंडा हो, ठंडा नहीं भी हो, पानी हो, लेकिन अगर उसमें हम आइस डाल देंगे तो उस वजह से क्या होगा,
वो उसको कूल कर देगा, ड्रिंक जो है उसको वो ठंडा कर देगा, ठीक है। तो और ज्यादा अगर ठंडा है तो और ठंडा कर देगा, अगर गर्म है तो ठंडा करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे रीजन गिवन है कि जो आइस है वो लेटेंट हीट लेगी ड्रिंक का और फिर उसको मेल्ट करने में हेल्प करेगी, कूलिंग करने में हेल्प करेगी। तो जब भी हम आइस को ऐड करेंगे किसमें, आइस को अगर हम ऐड कर देंगे ड्रिंक में, ठीक है, ड्रिंक के वाटर जो है या कुछ इस तरह का है उसमें हम ऐड कर देंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा। अब नॉर्मल सी बात है, ये तो सभी को अगर नहीं भी कुछ पड़ा है तब भी पता है कि वो ठंडा तो होगा ही। अब ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात होगी कि आप बर्फ डाल रहे हैं किसी चीज में तो वो ठंडा तो होना ही है। तो एजर्सन तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अब रीजन देखते हैं, रीजन ये है कि वो लेटेंट हीट लेता है ड्रिंक में से। आपको पता है कि मॉलिक्यूल है उनमें एनर्जी होती है, एनर्जी है उसको हम बोल सकते हैं एक हीट की फॉर्म बोल सकते हैं, क्योंकि हीट एक एनर्जी की ही फॉर्म है। तो अगर ड्रिंक में अपनी एक मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है वो जो है वो आइस को मिलेगी, उसकी जो लेटेंट हीट है वो आइस को मिलेगी, और जहां पे भी अब आइस क्या होगी वहां पे मेल्ट करेगी, और जहां पे भी मेल्टिंग होती है इवेपोरेशन होती है उस वजह से कूलिंग तो होनी ही है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, कूलिंग वहां पे प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, हमारा ऑप्शन ए ही आ जाएगा, बोथ एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो फिर से हमारे पास है, अब यहाँ पे रिवॉल्वर, डायनामाइट, लॉ ऑफ कूलिंग, लॉ ऑफ प्रेशर, और इस तरफ है अल्फ्रेड नोबेल, पास्कल, कोल्ट, न्यूटन। तो हमें बताना है कि कौन सी चीज किसने डिस्कवर की है, क्योंकि इस तरफ हमारे पास साइंटिस्ट गिवन है। तो रिवॉल्वर किसने डिस्कवर की, कोल्ट ने, ठीक है, रिवॉल्वर हमारे पास कोल्ट ने, एंड डायनामाइट किसने, डायनामाइट जो है वो किसने फाइंड किया, और जो है डायनामाइट किया अल्फ्रेड नोबेल ने, ठीक है। और इसके ऊपर आपको पता है कि नोबेल प्राइज भी इसी वजह से बना है, क्योंकि जो डायनामाइट है अल्फ्रेड नोबेल ने फाइंड किया था, और डायनामाइट एक बोल सकते हैं हम जो बॉम्ब है उनमें यूज होता है। तो इसकी स्टोरी जो है वो आपको, अगर आपने विक्रांत सर की वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज आई होप आपने वो वीडियोस देखी होंगी। लॉ ऑफ कूलिंग की बात करें तो लॉ ऑफ कूलिंग जो है वो किसका है, न्यूटन का सिद्धांत है, और लॉ ऑफ प्रेशर की अगर हम बात करें तो प्रेशर पास्कल का जो है सिद्धांत है। तो ये बिल्कुल सिंपल से है, मैच करना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एटमोस्फियर एक्सर्ट्स enormous pressure on us but we don't feel it because कि जो atmosphere होता है वो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा pressure exert करता है लेकिन हम इसको feel नहीं कर पाते हैं, तो इसका reason क्या है, ठीक है। जो atmosphere है वो बहुत ज्यादा pressure हमारे पास, क्योंकि आपको पता है atmosphere में pressure होता है तो वो हमारे ऊपर atmosphere भी pressure डाल रहा है लेकिन हम उसको feel नहीं कर पाते, हमें ऐसा लगता है बिल्कुल हर चीज normal है, तो उसका reason क्या है। तो उसका सिंपल सा रीजन है, बिकॉज हमारा जो ब्लड है वो हर टाइम पंप हो रहा है उसमें भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है, हमारे ब्लड में जो प्रेशर है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है, तो उस वजह से क्या होगा, हमें बाहर का प्रेशर फील नहीं होता है। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, मान लीजिए अगर आपके हैंड जो है वो 37 डिग्री तक हीट है, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस आपके हाथों का टेम्परेचर है, और आप 35 डिग्री हीट वाली किसी चीज को टच करते हैं तो आपको गर्म नहीं फील होगा, आपको वहां पे थोड़ा ठंडा लगेगा, कूल लगेगा वहां पे। तो ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है। तो वैसे ही यहाँ पे है कि अगर एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर प्रेशर तो क्रिएट कर रहा है लेकिन हमारी बॉडी का प्रेशर उससे भी ज्यादा है, तो आंसर क्या होगा, अवर ब्लड एक्सर्ट्स अ प्रेशर स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ये बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया। कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है किस पर्सन के लिए जो हाइपरमेट्रोपिया से सफर कर रहा हो। तो अब यहाँ पे दो चीजें हैं, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, तो वो दोनों मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे मायोपिया जो होता है वो होता है आपका शॉर्ट साइटेडनेस, जिसमें आपको, जिसको हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, यानी कि निकट का तो दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता है, ठीक है। और हाइपरमेट्रोपिया जो है वो बोलते हैं हम लॉन्ग साइटेडनेस, यानी कि दूर का तो दिखता है लेकिन आपको नजदीक का नहीं दिखता है। तो अब इस कंडीशन में जो है हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है, फर्स्ट द पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, कि जो पर्सन है वो दूर की चीजों को देख सकता है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने फाइंड करना है नॉट ट्रू, तो हमारा आंसर ये नहीं है, क्योंकि ये तो सही है, हमें गलत वाला बताना है। तो अगर हाइपरमेट्रोपिया है, उसको लॉन्ग साइटेडनेस है, तो वो दूर की चीजों को देख सकता है, ठीक है। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज लार्ज
सेकंड ऑप्शन ये है कि जो फोकल लेंथ है लेंस की वो लार्ज हो जाती है। तो अब इस कंडीशन में अगर हम देखें तो ये जो है यहां पे हमारे पास बिल्कुल सही है कि जो फोकल लेंथ है वो लेंस की लार्ज हो जाती है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें तो इनकरेक्ट वाला फाइंड करना है। ठीक है, ये करेक्ट है, फोकल लेंथ लार्ज हो जाती है हाइपरमेट्रोपिया में। थर्ड, द इमेज ऑफ द क्लोज ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड बिहाइंड द रेटिना, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि बिहाइंड द रेटिना ही अगर इमेज बनेगी तभी हमें वो नजदीक वाली चीजें नहीं दिखेंगी। एंड लास्ट है, अ कनकेव लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, ये हमारा आंसर होगा बिकॉज अगर हमने हाइपरमेट्रोपिया को क्योर करना है तो हमें कनकेव नहीं कन्वेक्स लेंस चाहिए, और कनकेव किसके लिए चाहिए, मायोपिया के लिए। तो होप सो कि आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। फिर से अजर्सन एंड रीजन वाला क्वेश्चन हमारे पास आ गया। फर्स्ट है, इफ आइस कलेक्ट्स ऑन द फ्रीजर द कूलिंग इन द रेफ्रिजरेटर इज अफेक्टेड एडवर्सली, कि अगर हम क्या करते हैं, हम रेफ्रिजरेटर पर, फ्रीजर पर, रेफ्रिजरेटर पर हम आइस देख लेते हैं, ठीक है, रेफ्रिजरेटर का जो फ्रीजर है उसमें हम देख लेते हैं कि आइस पड़ी हुई है, तो उस वजह से क्या होता है, वो कूलिंग को स्लो डाउन कर देता है। एंड सेकंड, उसका रीजन गिवन है कि जो आइस है वो पूर कंडक्टर है। अब ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है, अगर आप रेफ्रिजरेटर का यूज करते होंगे तो जब भी उसके ऊपर आइस जम जाती होगी आप उसको साफ कर देते होंगे, बिकॉज अगर आइस उसमें जमी हुई है तो वो इतना ठंडा नहीं करेगा। तो बिल्कुल एजर्सन बिल्कुल करेक्ट है कि अगर आइस वहां पे है तो वो ठंडा कम करेगा, इसलिए हम उसको हटाते रहते हैं। अब रीजन क्या दिया है कि आइस इज अ पुअर कंडक्टर, तो ये भी बिल्कुल सही है, आइस जो है वो पुअर कंडक्टर है, ठीक है, गुड कंडक्टर नहीं है। और पुअर कंडक्टर क्यों है, अब यहां पे आप ये भी बोल सकते हैं कि वाटर जो है वो गुड कंडक्टर है, उसमें से कंडक्शन होती है, लेकिन आइस पुअर कंडक्टर क्यों है, क्योंकि उसका जो शेप होती है वो वैकेंट शेप होती है। अगर आप आइस की बात करें, यहां से क्वेश्चन ये भी आता है कि आइस की मैक्सिमम डेंसिटी कहां होती है, 0 डिग्री पे नहीं होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है, बिकॉज जब वो पिघलती है तब उसकी डेंसिटी हाई होती है। अब आइस जो है वो वैकेंट स्पेस होता है, बीच में खाली स्पेस होता है उसमें, अगर आप आइस को तोड़कर देखेंगे तो इस वजह से कंडक्शन कम हो जाती है, प्रॉपर कंडक्शन नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे दोनों ही सही है, बोथ अजर्सन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम हाइट ऑफ अ प्लेन मिरर टू सी द फुल साइज इमेज ऑफ अ पर्सन इज इक्वल टू, कि अगर आपको प्लेन मिरर में, जो घरों में भी यूज होता है, प्लेन मिरर में आपको अपनी फुल इमेज देखनी है तो मिरर कितना बड़ा होना चाहिए, ये आपको यहां पे क्वेश्चन है। तो देखिए यहां पे अगर हम बात करें, मान लीजिए एक पर्सन जो है वो इतना यहां पे लेंथी है, सामने मिरर की बात करें तो मिरर अगर आपकी हाफ लेंथ का भी होगा, ठीक है, मिरर अगर आपकी हाफ लेंथ का भी होगा तब आप पूरी इमेज देख सकते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि जो आपकी आईज से रेज जाएंगी वो उसके बॉटम से रिफ्लेक्ट होकर पांव तक पहुंच जाएंगी, और आपको पता है ऐसा नहीं होता कि सामने जो है फेस टू सामने हर चीज के सामने अगर मिरर होगा तभी दिखेगी, हमें कोई भी चीज दिखती है रिफ्लेक्शन की वजह से, हम मिरर में रिफ्लेक्शन देखते हैं, करेक्ट, हमें रियल चीज नहीं दिखती है। तो अगर अब यहां पे हम बात करें, रिफ्लेक्शन होगी तो रिफ्लेक्शन तो यहां से हो जाएगी, जब कोई आईज से इसके फुट में देखेगा तो अपने फुट भी उसको रिफ्लेक्शन के थ्रू यहां पे दिख जाएंगे, क्योंकि जो एंगल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो जो इंसिडेंट एंगल होता है उसके इक्वल होता है। तो यहां पे बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि अगर हाफ भी होगा मिरर तब भी हमें फुल इमेज दिखेगी, और रीजन मैंने बता दिया कि रिफ्लेक्शन होगी वहां पे। तो आंसर आ जाएगा आपका बी, हाफ द हाइट ऑफ द पर्सन, तो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो यहां पे आपको दो लिस्ट गिवन है जिसमें आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑप्शन ये जो है वो 4 है और मैच करने के लिए 5 है, यानी कि कोई एक जो है वो आपका छूट सकता है, कोई एक जो है वो यूज नहीं होगा। तो फर्स्ट है हीट टू इलेक्ट्रिकल, ठीक है, एनर्जी कन्वर्जन बताया है और उसकी डिवाइस बताइए कि कौन सी डिवाइस यूज होती है। ठीक है, हीट टू इलेक्ट्रिकल कौन चेंज करता है, बहुत ही सिंपल है, आप अगर सोलर कुकर का यूज करते होंगे, ठीक है, सोलर कुकर अगर घर में यूज करते होंगे और आजकल सोलर सेल चले हुए हैं तो उसमें क्या होता है, हीट आती है सन की सन रेज से और उसको आप इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, तो सोलर सेल यही काम करते हैं, क्या करते हैं, हीट को
इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक टू साउंड, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही है उसको साउंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अगर ऑप्शन देखेंगे बहुत ही सिंपल है, लाउड स्पीकर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मास टू हीट, तो मास टू हीट कौन कन्वर्ट करता है? अब अगर आप यहाँ पे बात करेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर की, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, बम्बार्डमेंट होती है मास की, ठीक है, जो आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं उनकी बम्बार्डमेंट होती है और उस वजह से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं, जो न्यूक्लियर बॉम्ब समझ लीजिए, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर यही काम करता है, मास को हीट में कन्वर्ट करता है। और केमिकल टू हीट एंड लाइट, तो केमिकल को हीट में कौन कन्वर्ट करता है, फ्यूल बर्निंग करता है, क्योंकि जब फ्यूल बर्न होगा, अब ये कैसे होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास व्हीकल है, कोई गाड़ी आप चला रहे हैं, तो उसमें आप क्या कर रहे हैं, उसमें आप केमिकल डाल रहे हैं, पेट्रोल डाल रहे हैं या आप डीजल डाल रहे हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो हीट में, ठीक है, हीट की वजह से गाड़ी चल रही है और लाइट भी वहां से आपको देखने को मिल जाती है गाड़ियों में, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कार ब्रेकिंग का यूज नहीं हुआ है, ठीक है, बाकी सभी का यूज हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इज बेस्ड ऑन द फेनोमेना ऑफ, जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, अब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है क्या, जो डॉक्टर्स यूज करते हैं आपके इंटरनल पार्ट को देखने के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, तो फर्स्ट ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, उसका जो प्रिंसिपल होता है वो होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, न्यूक्लियर की जो मैग्नेटिक रेजोनेंस होती है उसी के ऊपर वो बेस्ड होता है, जो हम MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग क्रिएट करते हैं। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल मतलब क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन अगर आपने पढ़ा हुआ है, आपके पास ये कॉन्सेप्ट है, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, A man is standing on a boat in still water. If he walks towards the shore, the boat will. कि अगर एक आदमी जो है वो बोट पे खड़ा हुआ है, ठीक है, और बोट जो है वो स्टिल वाटर में, यानी कि एक जगह खड़ी हुई है, और अब पर्सन क्या कर रहा है, पर्सन वॉक कर रहा है टुवार्ड्स द शोर, यानी कि किनारे की तरफ को मूव करना करता है पर्सन, तो बोट क्या करेगी। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, आप एज्यूम करके देखिए कि मान लीजिए आप कहीं पानी के बीच में है बोट के ऊपर, और आप जो है आप किनारे की तरफ को वॉक करना स्टार्ट करते हैं, तो बोट क्या करेगी, न्यूटन का थर्ड लॉ अगर आपको आता होगा, ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है कि एक्शन एंड रिएक्शन जो है वो इक्वल होते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अगर आप किनारे की तरफ को जा रहे हैं तो बोट किस तरफ जाएगी, बोट भी तो रिएक्शन देगी ना, आप एक्शन कर रहे हैं कि आप किनारे की तरफ को जा रहे हैं, तो बोट क्या करेगी, बोट किनारे से दूर की तरफ को जाएगी, तो मूव अवे फ्रॉम द शोर, तो आंसर क्या हो जाएगा, बोट विल मूव अवे फ्रॉम द शोर। तो वीडियो जो है काफी लंबी हो चुकी है, आई थिंक आपको रेस्ट की जरूरत होगी। तो फिलहाल जो है 25 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, नेक्स्ट जो है मैं कोशिश करूंगा कि आज ही आपको अगले 25 क्वेश्चन जो है वो भी प्रोवाइड कर दिए जाएं। वैसे भी मैं 100 क्वेश्चन बनाना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि एग्जाम ही कल है और टाइम जो है वो मैनेज नहीं हो पाया जल्दी से, तो फिलहाल आज कोशिश रहेगी कि आपको 50 क्वेश्चन जो है फिजिक्स के प्रोवाइड कर दिए जाएं। 25 हो चुके हैं, जल्दी से इन क्वेश्चन को शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा अच्छा रिस्पांस होगा उतनी जल्दी जो है सेकंड वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। और काफी सारी वीडियोस जो है आपको कुछ दिनों से देखने को मिल रही होंगी, जो CDS के एग्जाम में श्योर क्वेश्चन होते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, उस पर हमने टॉपिक्स बनाए हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे, आपको डिस्क्रिप्शन में हर एक वीडियो मिल जाएगी, आप उनको देखिए, बिकॉज वहां से क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। जैसे रैंक्स का क्वेश्चन आना है, रैंक्स पे वीडियो बनी है, मिसाइल्स का क्वेश्चन आना है, मिसाइल पे बनी है, गांधी जी पे क्वेश्चन आना है, वो भी आपको कल ही वीडियो मिली, और मिलिट्री एक्सरसाइज है उस पर भी आपको वीडियो मिल चुकी है, हेडक्वार्टर का क्वेश्चन आता है वहां पर भी आपको वीडियो मिल चुकी है। तो फिलहाल जो है आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड जय हिंद।